तो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो V20 का, जो कि हमें फ्लिपकार्ट से ऐसे मिला है, ऐसी बॉक्स में, ऐसी पैकिंग के साथ। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और आपके बताएंगे इसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो चलिए, हमें ये ऐसा देखने को मिलता है पैकिंग के साथ। ये है बॉक्स और इसके नीचे है बिल। इसको कर देते हैं साइड। अब देखते हैं हमारा बॉक्स, जो कि ऐसे कुछ वीवो V20 में ब्लू कलर में आता है। पीछे कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं और यहाँ से डिटेल्स सारी लिखी गई हैं। अब करते हैं बॉक्स को प्लास्टिक के रैपर से अलग। दोस्तों, मुझे कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पेन से इसको ओपन करना शुरू कर दिया, बस शुरू कर दिया। हमें ऐसे देखने को मिलता है ये बॉक्स। वीवो V20 लिखा हुआ है, जो कि वी डिज़ाइन में है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो अब देखते हैं हमारा बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, बॉक्स ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक और सील है, इसको भी हम कर देते हैं कट पेन से। हाँ, क्योंकि हमें कटर नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत ढूंढा। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर हमें मिलता है ये वीवो V20 लिखा हुआ एक सेक्शन, जो कि शायद अंदर केस है। ये है मोबाइल, हाँ इसके अंदर केस है। पहले केस को निकाल लेते हैं। ये है सिम इजेक्टर पिन और ये ट्रांसपेरेंट केस, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब देखते हैं हमारा स्मार्टफोन। तो ये है हमारा स्मार्टफोन। दोस्तों, मैंने इस फ़ोन का ग्रे वर्जन ऑर्डर किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा कलर, जो कि काफ़ी नया है और काफ़ी अच्छा है देखने में, स्टाइलिश है और प्रीमियम लुक देता है एकदम फ़ोन को। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए ये कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। आपने बहुत सारी कम ही ऐसी फ़ोन होंगी जिसमें ऐसी कलर दी गई है। बात करें चार्जर की, तो चार्जर हमें मिलता है एक फ्लैश चार्ज 2.0 के साथ, जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग देता है आपके फ़ोन को। और यह है एक USB केबल Type-A to Type-C वाला, जो कि काफ़ी अच्छी है। यह है एक हेडफोन, जो कि इस बार वीवो ने V20 के साथ दिया है। मतलब बहुत सारी फ़ोन्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वीवो ने बंद कर दिया था ये। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं फ़ोन को बूट। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में एक और गिव अवे चल रहा है ओप्पो A53 का। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए। ये कुछ निकल के आता है हमारा इंटरफेस। मैं एक बात कहूँगा कि इसमें पंच होल होना चाहिए था यार, बहुत ही ज़्यादा कूल लगता। लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब चलते हैं हमारे अबाउट सेक्शन में, वहाँ हमें मैं दिखाता हूँ कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। ये हमें एंड्रॉयड 11 के साथ मिलता है, फन टच 11 मिलता है हमको, 8GB रैम, 128GB मेमोरी के साथ। तो आगे देखते रहिए, मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताते जा रहा हूँ। तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है, 8 और 128 का, और मिलता है 256 और 8GB का। तो ये कैमरे का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, जो कि काफ़ी अलग है बाकी फ़ोन्स के मुकाबले। इस बार वीवो ने कुछ अलग ट्राई किया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अगर साइड की बात करें, तो यहाँ पे है एक पावर बटन और इसमें है साइड में वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, और इस साइड हमें मिलता है सिम स्लॉट। नीचे है ये स्पीकर और Type-C USB पोर्ट। और फ़ोन बहुत ही स्लिम है, तो मुझे लगा नहीं था कि 3.5mm वाला जैक होगा, मगर इसमें है तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सच में ये कैमरा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अलग सा डिज़ाइन है, प्रीमियम फील देता है और केस के साथ भी बहुत ही कूल लगता है। दोस्तों,
मैं इस फ़ोन का गिव अवे कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बताना होगा वीडियो में आपने कितनी बार देखा #V20। बस उसी को कर दीजिए नीचे कमेंट, और नीचे एक और चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करते ही आप एंटर हो जाओगे हमारे गिव अवे में। दोस्तों, अगर बात करें इस फ़ोन की कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका स्लिम बॉडी के कारण काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील देता है आपको हाथ में, और इसमें ऑटो फोकस, आई फोकस सब भी मिल जाएगा। तो पीछे हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f1.9 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा f2.4 अपर्चर के साथ। इसमें आपको 4K वीडियो शूटिंग का ऑप्शन मिलता है सामने भी और पीछे भी। तो डुअल LED फ्लैश है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैं कहूँगा कि इसमें नाइट मोड में उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स नहीं आते हैं, लेकिन वीडियो का स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया इसका कैमरा। इसमें आपको सामने और पीछे दोनों तरफ ग्लास बॉडी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब प्रीमियम सा कुछ अलग सा लगता है ये फ़ोन पीछे से देखने में। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो क्वालकॉम SM7125 स्नैपड्रैगन 720G का मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एड्रीनो 61 के चिपसेट के साथ। इसमें जो देखिए आप नाइट मोड में कैमरा फीचर, वीडियो मोड, ये मोड में आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रो का, स्लो मोशन का, गूगल लेंस का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इतने फीचर्स है कि आप इसको सब अच्छी तरह से यूज़ भी नहीं कर सकते। यह है सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको मिलता है। ये देखिए कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि इसी फ़ोन से मैंने क्लिक करी है, जो कि बहुत ही अच्छी और शार्प पिक्चर्स आती है। तो प्लीज़ दोस्तों, गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये फ़ोन मैं मतलब मुझे गिफ्ट मिला था, पर मैं ये आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे ही गिव अवे के वीडियोस लाते रहेंगे। तो ये बॉक्स और फ़ोन आपको मिलने वाला है, तो ज़रूर बताना वीडियो में कैसा लगा ये वीडियो, और ज़रूर कमेंट करना और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।